का भारत छोड़ने पर सलमान का एक और बड़ा खुलासा। लगता है सलमान खान प्रियंका को माफ करने के मूड में नहीं है। प्रियंका द्वारा अचानक से फिल्म भारत छोड़ने को लेकर सलमान की नाराजगी अभी भी बदस्तूर जारी है। तभी तो सलमान ने एक बार फिर से प्रियंका पर साधा है निशाना। सलमान ने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत में बतौर हीरोइन काम करने के लिए प्रियंका ने उनकी बहन अर्पिता को हजारों कॉल किए होंगे। बता दें कि सलमान की बहन अर्पिता प्रियंका चोपड़ा की सालों से अच्छी दोस्त हैं। इस कदर की बॉलीवुड में दोनों की दोस्ती की चर्चाएं भी खूब होती हैं। क्वांटिको और फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका में रह रही प्रियंका से अर्पिता वहां जाकर बार बार मिलती भी हैं। सलमान ने बताया कि प्रियंका ने न सिर्फ अर्पिता को हजारों कॉल किए बल्कि फिल्म पाने के लिए डायरेक्टर अली अब्बास जफर को भी कई कॉल्स किए थे। प्रियंका के फिल्म छोड़ने के बाद फिल्म के लिए फौरन कैटरीना को साइन कर लिया गया। सलमान ने इस पर कहा कि उनकी बहन अलविरा और उनके पति अतुल अग्निहोत्री की पहली पसंद कैटरीना कैफ थी। भारत की शूटिंग शुरू होने से कुछ ही दिनों पहले प्रियंका ने खुद को उससे अलग कर लिया था। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है कि निक जोनास से सगाई और जल्द होने वाली शादी के चक्कर में प्रियंका ने फिल्म छोड़ी थी। भारत के डायरेक्टर और प्रियंका के अच्छे दोस्त अली अब्बास जफर ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया था, जिससे सबको लगा था कि सगाई और शादी ही प्रियंका की फिल्म छोड़ने की असली वजह है। मगर फिर जल्द ही इस बात का खुलासा हुआ कि हॉलीवुड में क्रिस पैट के साथ एक फिल्म उनके हिस्से आई है, जिसके चलते प्रियंका ने भारत को छोड़ने का फैसला लिया था। लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग टल गई है और इस फिल्म के बारे में फिलहाल कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। खैर, सलमान ने दिल्ली में नवरात्रि की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पहली बार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी तो कहा था कि प्रियंका के लिए फिल्म छोड़ने की वजह चाहे जो भी रही हो, प्रियंका के फैसले से वो खुश हैं और उन्हें प्रियंका से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है।